हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज कैसल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टार्टर वाली चिली पनीर, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पनीर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से कोट कर लूँगी। अब एक दूसरे बोल में बैटर बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 बड़ी चम्मच मैदा, 2 स्वाद अनुसार नमक। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। फिर इसमें कोट किए हुए पनीर को डाल के मिला लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दे और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कढ़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और एक एक पनीर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर गोल्डन ब्राउन कलर के होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटे हुए अदरक। और 1 मिनट के लिए भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए लाल मिर्च, प्याज, कैप्सिकम, और 2 स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और 1 बड़े चम्मच चिली सॉस। अब 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का स्लरी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्राई किए हुए पनीर को इसमें डालेंगे और अच्छे से पनीर को सभी चीजों के साथ मिला लेंगे और सर्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।